स्टार्ट। देखिए, ये जो है हमारे पास दो बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको पेपर सारे मिल जाएंगे। ये 2020 का पेपर है और 2021 का पेपर है। इसके लिए आपको जो है पूरी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस यहाँ पर रैंडमली आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से होगा पेपर। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये उर्दू का पेपर है, ठीक है। उर्दू के पेपर के बाद पूरे आंसर के साथ में है आपको। अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं, पूरे पैसेज दिए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको बड़े आंसर में, आपको आंसर कॉपी यहाँ पर मिल जाएगी। आंसर कॉपी देखिए आपके पास, ये सरगर्मी पूरी दी हुई है। पहले जो सरगर्मी दी हुई है सारी जो है यहाँ पर, क्वेश्चंस आपको पहले अच्छे से देखना है किस तरीके से क्वेश्चंस है। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कहाँ पर है। ये देखिए, मार्च का पेपर है, 2022 का है, उर्दू का है, ठीक है, सॉरी 2020 का पेपर है और ये उर्दू का पेपर है। और यहाँ पर पूरे जो है आपको गाइडलाइन दी हुई है, किस तरीके से दिया हुआ है। आपको पहले गाइडलाइन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद पेपर करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना बेटा कि यहाँ पर जितने भी खाके दिए हुए होंगे आपको पेन से बनाना है। पहली हिदायत आपको, पहली इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी गई है 2020 के पेपर में। देखिए खाका जो है इस तरीके से, आप इसको पेंसिल से मत बनाइए, ये इसको क्या करना है आपको, पेन से बनाना है। पेन से ही बनाओगे आप तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके आंसर अगर प्रॉपर भी होंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सारे भी आपको पेन से ही बनाने हैं और ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके पूरे आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। मैं बहुत स्पीड स्पीड पेज जो है आपको पलटा रही हूँ ताकि आप लोगों को पीडीएफ इजीली मिल सके, ठीक है। और इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट का, उर्दू मीडियम के रिगार्डिंग जितने पेपर्स हैं आपको सब मिल जाएंगे। ये आप देखिए उर्दू के पेपर्स हैं, यहाँ पर पूरे जवाब आपको स्टार्ट हो गए हैं, पूरे जवाब कॉपी है। और इसका जो पीडीएफ है, इसका नहीं, अच्छे से लिखा हुआ जो स्टूडेंट्स किए हैं उनका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अंदर जो जिन बच्चों की राइटिंग ज़्यादा अच्छी थी, जिस तरीके से देखा जाए तो उमर है और इकरा है, रेहान है, ये सारे बच्चे इजिली, ये पूरे उर्दू के पेपर है। एक चीज और याद रखिए आप, ये उर्दू के जो पेपर है आपको 3 साल के पेपर मिलेंगे, 2022 के, 2020 के और 2021 के। ये 3 साल के पेपर आपको विद पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये उर्दू का हो गया। उर्दू का होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर तारीख का पेपर दिया हुआ है। तारीख के पेपर के साथ आपको क्वेश्चंस दिए हुए, क्वेश्चन के डायरेक्टली आपको आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। आप इस तरीके से पूरे आंसर जो है कर सकते हो, सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ में सरगर्मी है, ये सरगर्मी वगैरह जो है मैं आपको नहीं बताऊंगी फिलहाल, अभी आप इतने पेपर कंप्लीट करके जाओ। ये देखिए आपको ज्योग्राफी का पेपर है, ज्योग्राफी का भी सेम एज इट इज ही है। आपको नक्शे वगैरह जो होंगे इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, लगेगा तो ये जो नक्शे दिए हुए हैं, ग्राफ जितने दिए हुए हैं आपको, ग्राफ वगैरह जितने भी क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको देखिए, ये भी देखिए, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ग्राफ अच्छे से देखिए, ये ग्राफ है, ये है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेपर आपको कौन सा दिया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्सा दुआ में। सारे पेपर्स आपको पीडीएफ में लिंक मिल जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको किस तरीके से लेना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उर्दू मीडियम के हर चीज़ जो है इजीली आपको दे दिया गया है। मराठी का पेपर भी है, सब पेपर जो है आपको इजीली दिया हुआ है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड कीजिए ताकि जो नीडी पर्सन है, जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाए और आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, इंग्लिश है, मराठी है, जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी लिंक्स जो है प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको क्या चाहिए, पूरा विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगी। थैंक यू सर।